हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम जो आलू चिप्स का पकोड़ा बनता है वो बनाएंगे। तो हम यहाँ पे दो आलू था मीडियम साइज़ के, तो उसको हम देखिए पीस पीस करके काट लिए, एकदम चिप्स बना लिए हैं आलू के इतने पतले पतले। तो इसको काटने के बाद इसको हम धो लिए हैं। और यहाँ पे हम बेसन लिए हैं और थोड़ा सा चावल का आटा लिए हैं इधर थोड़ा सा, और बेसन है मेरे पास मतलब चौथा हिस्सा का, एक हिस्सा हम चावल का आटा दे दिए हैं। अब यहाँ पे हम ये जो चम्मच है छोटा सा, इसका एक चम्मच हम जीरा पाउडर दे देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर दे देंगे, स्वाद अनुसार नमक दे देंगे, और एक चम्मच धनिया पाउडर दे देंगे, ये जो चम्मच है मीडियम साइज के, और आधा चम्मच से थोड़ा बेसी हम लाल मिर्च का पाउडर दे देंगे। और थोड़ा हम इस पानी दे के हम इसका एक बेटर बना लेंगे। बेटर हमारा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीका से हम बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि हमारा बेसन का जो हल्का फुल्का कहीं पे लम्स ना रह जाए। ये देखिए अब जैसे ये आलू हैं, इसको ऐसे ऐसे मिला के, ये देखिए ऐसे हम लगा देंगे दोनों पार्ट में। एक आलू लेना है इस तरीका से, दोनों पार्ट में लगाना है और तेल में डाल देना है। तो चलिए सेक लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है पूरा। अब इसमें हम मीडियम कर देंगे इसका फ्लेम, और इसे दोनों पार्ट में हम लगा लगा के फ्राई कर लेते हैं आलू चिप्स को। जब इसको फ्राई करना है फ्रेंड, आपका जो फ्लेम है एकदम मीडियम रहना चाहिए। देखिए इस तरीका से दोनों पार्ट में ऐसे लग जाएगा। देखिए दोनों पार्ट में लग चुका। फ्रेंड चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतना सारा हम दे दिए हैं, ये हमारा फ्राई हो जाए, फिर अगले बार दे देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा जो जितना भी पकोड़ा है सब फूल के ऊपर आ चुका, जबकि इसमें हम कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वगैरह हम कुछ नहीं दिए हैं, फिर भी ये ऊपर आ चुका, तैरने लगा। अब इसी टाइम पर हमें पलट देना है।
तो देखिए फ्रेंड, करीबन 7-8 मिनट तक हम अच्छे से नॉर्मल जैसे मीडियम फ्लेम पर रख के हम इसको फ्राई किए हैं। अब अभी मेरा जो आलू चिप्स पकोड़ा है एकदम तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा जो आलू चिप्स पकोड़ा है एकदम रेडी है। और ये कितने फूले फूले हैं आप देख सकते हैं, सब ऐसे ही फूले फूले हैं। तो कैसा लगा मेरा आलू चिप्स पकोड़ा बनाने में, आप सब लोगों को देखे पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। और आप लोग ज़रूर इस तरीक़े से बना के खाएं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये आप सॉस के साथ खाएं, आप चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है। तो सब लोग स्वस्थ रहें।